कोलंबस पब्लिक स्कूल, CBSE सर्कुलम इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक बार 1995 से 1992 तक, तब फिर 1997 से 2001 तक यहाँ का प्रोजेक्ट हेड था। सर, अपने कार्यकाल में कुछ बताएं, विशेषता क्या क्या कुछ ये आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी हो सके। देखिए, यहाँ पर जब मेरा पोस्टिंग हुआ एज प्रोजेक्ट हेड, उस समय बोकारो का प्लांट का कंडीशन बहुत ख़राब था। जनरेशन 630 मेगावाट का प्लांट था, जनरेशन 150-200 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होता था। तो हमको जब भेजा गया तो एक चीज़ मैं सभी को बोलता हूँ कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ जो काम करने वाले लोग हैं, इंजीनियर और वर्कर जो भी, सबको कोई मोटिवेशन नहीं था। अब वो लोग को डर था कि अगर हम ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे और अगर कुछ हो गया प्लांट में तो हम पकड़ जाएंगे, हमारे ऊपर एक्शन होगा। बट सिर्फ मेरा काम यही हम किए थे कि हम बोले थे कि हम हैं यहाँ पर खड़ा, तुम लोग बढ़ाओ। और 630 मेगावाट का प्लांट है तो 630 मेगावाट जनरेट होना चाहिए। कुछ अगर होगा, अगर गड़बड़, तो हम हैं तुम्हें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम लोग को कोई आँच नहीं आने देंगे। बस इस तरह का सिर्फ मोटिवेशन करने से, और एक्चुअली अचीव हुआ 100% PLF पर 630 मेगावाट जनरेट करने लगा था प्लांट। तो मेरा यही है। और मेरे समय में यहाँ पर लायंस क्लब भी बना था, ये लोग सर मेरे लायंस क्लब के फ्रेंड लोग हैं। तो पहले था कटारा BTPS का कॉमन लायंस क्लब था, फिर बाद में यहाँ पर हम लोग अलग लायंस क्लब और BTPS किए। तो उससे सोशल एक्टिविटीज मिलना जुलना, सब लायंस क्लब का कुछ वेलफेयर का काम, गाँव वाँव में काम करना सब भी करते थे हम लोग बहुत तरह का। नया का मतलब यही कि यहाँ पर जो एक पहले था कि लोगों के मन में कि हम अपना ठीक है, काम चलता है, हमको सैलरी मिल जाता है महीना का एंड में, और ज़्यादा कुछ करेंगे काम, कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा नौकरी जाएगा। तो हम इसी यही चीज़ सबको इंकरेज किए कि ये मत सोचो, प्लांट में तुम्हारा ड्यूटी है इसको कि जितना कैपेसिटी है उतना में इसको रन करना है। और ठीक है, गलती होता है, गलती होगा तो होगा, देखा जाएगा। बट ये तो एक तो कि उससे ये वो फिर सोशल यहाँ पर जैसे लायंस क्लब का मीटिंग वगैरह होता था, पिकनिक होता था, कुछ गांव वाले का हेल्प वगैरह करने के लिए हम लोग करते थे, वृक्षारोपण होता था, ये सब भी करते थे हम लोग। जो यहाँ पर एक जुबली पार्क बना है वो भी, हाँ मेरे ही बनाया हुआ था। एक्चुअली वहाँ पर खाली लैंड था और उस समय इंक्रोचमेंट हो जाता था अनऑथराइज सब, तो उस समय डायमंड जुबली ईयर था, तो हम कहते यहाँ पर एक पार्क अच्छा सा बनाया जाए जिसका नाम रहेगा जुबली पार्क। तो वही जुबली पार्क मेरे समय में बना था। उस समय सिविल के थे एक RP शर्मा करके, यहाँ के सिविल के, तो उन लोगों का बहुत कोऑपरेशन मिला साथ में। जो हम तो गाइड करते थे काम, तो वही लोग कराते थे। तो उस समय बोकारो का ओवरऑल मार्केट वर्केट पहले बहुत गंदा था, बहुत पता नहीं आप लोग उस समय ज़माने में देखे थे कि नहीं मार्केट, तो मार्केट को पूरा साफ कर करके फिर से जमीन अलर्ट कर करके वो एक प्लांड वे में मार्केट बनवाया था। क्योंकि पहले ऐसा था कि लेडीज लोग को मार्केट में जाना मुश्किल था, इतना पतला पतला गली में जाना आना पड़ता था। तो वो एक बहुत क्या बोलें, उस वो एक ऐसा काम था जिसमें बहुत अनप्लेजेंट वर्क बोलिए, क्योंकि उतना लोग का दुकान सब तोड़ना, हम सबको पहले ऑप्शन देते कि तुम लोग खुद तोड़ लो, हम ज़मीन अलॉट कर देंगे उसमें तुम लोग बनाओ। तो जिस लेकिन वो लोग तो कोई तोड़ा नहीं था, खैर हमको वो एक अनप्रेजेंट काम करना पड़ा कि तोड़ा। बट जिसका जिसका टूटा था सबको हम ज़मीन अलॉट किया,
सबको दिया कि तुम अपना दुकान बनाओ, लेकिन सिस्टम से प्लान वे में रास्ता रहेगा और कैसे कैसे वो प्लान एक सिविल सेक्शन से बनवा कर कर दिया गया, उसी तरह से मार्केट बना। एडमिशन्स गोइंग ऑन फॉर सेशन 2023-2024 स्टैंडर्ड नर्सरी टू 8, हरी अप। सेलियंट फीचर्स इंक्लूड ट्रेन टीचर्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, कंप्यूटर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, क्विज, डिबेट, डांस एंड फिजिकल एजुकेशन। टू कॉन्टैक्ट प्लीज विजिट आवर ब्रांच टू इन नंदवास्थान, सोलागिड़ी, चास, बोकारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।